सब्जी आ गई है हमारी और आज लिया है सुहांजना और माल्टे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज हम बना रहे हैं सुहांजना। ये आप लोगों ने खाया हुआ ही होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पकाते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में ये बनाया जाता है और बहुत मज़े का होता है। सर्दियों में होता है, कुछ अरसे के लिए आता है और बहुत महंगा भी होता है। इसलिए हम लोग ना काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि बनाते हैं, लेकिन महंगा इतना था ना कि फिर हम ले ही नहीं रहे थे। लेकिन आज फिर भी कुछ पहले की नस्बत थोड़ा सा कम कीमत इसकी हुई है, तो फिर हमने कहा चलो आज बना लेते हैं। इसको मटर और आलू में भी बनाया जाता है और गोश्त में भी बनाया जाता है। तो हम चिकन लेंगे, उसमें ये बनाएंगे और रेसिपी आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं आप सब लोग। अब्दुल्ला स्कूल गया हुआ है, मैं और अम्मी यहाँ धूप में बैठ के सब्जी बना रहे हैं और साथ में खा रहे थे माल्टे। आप लोगों ने खाने हैं तो आप लोग भी आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जुड़े रहिएगा। आपको आज दिखाते हैं अपनी फुल दिन की रूटीन। और अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बेटियाँ बेटे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अल्लाह पाक की रहमत हो सब पर। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज देखना क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, आप सारा दिन हमारे साथ ही रहना। ये देखें, ये होता है सुहांजना और इसमें से जो मैं चुन रही हूँ ना, ये लकड़ियाँ इसमें होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसमें ये जो लकड़ियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, ये चुन के जो ये बाहर फेंकनी पड़ती हैं। और फिर ये जब ये खाली ये कलियाँ रह जाती हैं और थोड़े से ये फूल होते हैं, इनको फिर पकाया जाता है। अब्दुल्लाह भी स्कूल से आ गए और ये भी अब माल्टा खा रहा है। सब्जी हमने धो लिया है, वो जो सुहांजना था ना धो लिया उसको। इसको ना साग की तरह पहले बहुत ज़्यादा उबालना पड़ता है, फिर ये अच्छी तरह से, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो भी निकल जाती है और गल भी जाता है अच्छी तरह से। पानी हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है और इसमें अब डाल देते हैं नमक। बस इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा डालने पड़ते हैं, ये मतलब ना नमक मिर्च को ज़्यादा अपने अंदर जज्ब कर लेता है और फिर फीका फीका बनता है। अगर आप नॉर्मल सब्जी की तरह डालेंगे ना इसमें नमक मिर्च, ये हमने धो के रखा हुआ था, आप इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये पंजाब में बहुत खाया जाता है और शहरों का तो पता नहीं। सर्दियों में जैसे साग होता है ना, ये वैसे ही खाया जाता है। ये साग से महंगा होता है, साग तो फिर भी सस्ता होता है। और इसके वैसे ही लगता है पकने में। इसके फायदे ही बहुत होते हैं, खाने से जिस्म का दर्द खत्म हो जाता है। ये देखें, अब हमने इसको डाल दिया। अब इसको 30-40 मिनट के लिए ना हम रख देंगे उबलने के लिए। फिर दोबारा हम इसको, इसका जो ये पानी है ना निकाल देंगे, इसमें नया पानी डालेंगे, फिर इसको उबालेंगे आधा घंटा, फिर बाद में ये पकाएंगे। तो अभी इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। ये देखें, ये उबल रहा है, इसने अपना कलर कुछ चेंज कर लिया है। आधा घंटा हो गया है ये बॉयल हो रहा है और अब हम इसका पानी जो है ना वो तब्दील करेंगे, ये वाला पानी निकाल देंगे और अब इसमें दूसरा पानी डालेंगे। अम्मी लेके जा रही हैं इसका ये पानी बाहर निकालने के लिए। पानी यहाँ पे तब्दील कर दिया है और ये देखें, ये सुहांजना चम्मच से ये भी डाल रहे हैं, चम्मच से डाल रहे हैं, इससे डाल रहे हैं। बस 10 मिनट, मेरा हाथ भी उल्टा है, नहीं होता कुछ। ये मसाला बना रहे हैं बाहर धूप में बैठ के, उनका अंदर सुहांजना उबल रहा है तो हम बाहर मसाले छिल रहे बना रहे हैं, फिर अंदर जा के अंदर को भोनी लगा देंगे इसको।
ये सारे जितने अच्छे मसाला होगा इतना ही अच्छा बनेगा, ज़्यादा मसाला इसलिए बना रहे हैं। इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं। अब्दुल अहद आ गया, वो खेल रहा है गली में, अभी उसके स्कूल मदरसे का टाइम हो जाएगा फिर उसको उधर भेजते हैं। अंदर आ गए हैं, सालन पकने के लिए हमें रख दिया है, घी डाला है, प्याज डाल के पहले वो ब्राउन करूँगी, उसके बाद डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटर, और इसमें हम चिकन डाल रहे हैं, इसमें आलू मटर भी डाले जाते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप आलू मटर भी साथ हमने थोड़ा सा चिकन लिया है, एक पाव चिकन लिया है, इसमें डाल देंगे तो जायका थोड़ा अच्छा हो जाएगा जी, इसलिए हाँ। ये देखो प्याज भूनने के लिए रख दिए हैं, सब कुछ मसाले काट लिए, टमाटर भी काट लिए हैं, चिकन को धो लिया है और अदरक लहसुन वो भी पीस लिया है जी। हम माँ बेटी में मिलकर ही दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं भाग भूख के, इतना को मैंने कहा तो जल्दी जल्दी रख, हमें हाथ की छुरी लग गई। ओ कैसे, पता नहीं टमाटर काटा है, तेज छुरी है ना, ध्यान किया करो। मैं अब्दुल अहद को नहीं देती छुरी, तू तो बड़ी है, तू तो अपना ख्याल रखा कर, वैसे भी आजकल खाना ही नहीं खा रही, देखो इसके काम बहुत एक दिन में कमजोर हो गई है, एक महीने बाद आपसे पूछूंगी मैं कुछ हुई। इसकी एक सब्सक्राइबर है वो कहती है क्यों ऐसे कर रही हो, आई क्या माल, क्यों भूखी रह रही हो तो सही कहती है ना अदरक लहसुन जो है ना उसको थोड़ा हमने भून लिया है, उसके बाद हम इसमें चिकन को डाल देंगे, इसको भूनेंगे, फिर इसमें जो मसाले आम हम सालन में डालते हैं ना वही डालेंगे, टमाटर यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे नमक और मिर्च, नमक मिर्च थोड़ी इसमें मैंने ज़्यादा डाली है क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा नमक मिर्च इसमें डालना पड़ता है, अगर हम आम सब्ज़ी की तरह इसमें डालेंगे ना तो फिर इसका जायका फीका फीका होगा। यहाँ पे अम्मी अब वो जो सुहाजन है ना उसको अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के उसकी इस तरह से लड्डू बना बना के रख रही हैं, वो बाद में हम इसमें डालेंगे, लेकिन अभी पहले चिकन को अच्छे से भून लेते हैं, फिर चिकन को हमें पहले गलाना भी है, उसके लिए हमें चिकन में एक कप पानी डालकर ना इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाए, तो उसके बाद हम बाद में इसमें सुहाजना डालेंगे, तब सुहाजना जब डालते हैं ना तो फिर तो बस 5 मिनट में ही हमारा सालन जो है ना वो रेडी हो जाता है। ये देखें सुहाजने को जो है ना इस तरह से अम्मी ने निचोड़ के उसका पानी निकाल दिया और इसको लड्डू की तरह बन गए ये, अब हम इसको डालेंगे अपने चिकन में। ये देखें चिकन हमारा गल गया है, तो अब हम इसमें ना वो सुहाजना डाल देंगे। ये देखो पानी सारा निचोड़ दिया, कड़वा पानी देकर अब इसको डाल दिया अंदर, ग्रेवी में सारा इसको फिर भोनी लगाएंगे। वो हरी मिर्चें धनिया वो भी डाल देना, लड्डू से सारे तोड़ दो लड्डू, ये हाँ ऐसे करके ना सब मेरे हरा हरी मिर्च और सुहाजना डालने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि सुहाजने में चिकन का और मसाले का जो टेस्ट है ना वो जज्ब हो जाए। सालन हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब यहाँ पे रोटी बन रही है और अम्मी रोटी बना रही हैं, गैस जाने वाला है इसलिए मैं यहाँ फटाफट सालन बना रही थी, तो अम्मी ने कहा कि मैं जल्दी रोटियाँ बना लूँ फिर गैस चली जाएगी। अभी दोपहर को और अब जो है ना दोपहर को क्या मतलब हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया, शाम ही हो गई थी, हमने कुछ भी नहीं दिल किया खाने का, चाय बना रहे हैं और आज चाय बना रहा है अब्दुल अहद,
आज सर्दी इतनी ज्यादा है ना, बस ओए। एक चम्मच डालना, एक चम्मच काफी, भर के डालना था। हाँ हाँ भर के, पूरा भर के चले। पत्ती डाली है और अब इसमें चीनी भी डालनी है। चीनी का डब्बा वो रखा हुआ है अम्मी, मेरे लिए फीकी चाय निकालना बेटा। बिल्कुल, थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल, थोड़ा सा तो डालते हैं ना। ओ पर डब्बा मुझे दे दे। अच्छा कहाँ है मुझे? ओ पीछे, ये हाँ ये वाला, ये अब्दुल्ला, ये भी अब्दुल्ला हद ही डालेगा आज सारी चाय। अब्दुल्ला हद को देती हूँ, अब्दुल्ला हद ने चाय बनानी है आज। कहते अम्मी आज मैं चाय बना के दूंगा, आपको सर्दी लगी हुई है। ये ला, ध्यान से ध्यान। हाँ जी गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, कहता है इतनी लेट कर दिया चाय बनाने का, और नींद भी इसको आ रही है। हमने दूध मंगवाया, दूध भी नहीं मिला, अब फिर ये और पर जिंदाबाद। हाँ जी इमरजेंसी में यही होता है, दूध का डब्बा खुल गया और अब दुल्हन डालेगा दूध। यहाँ से पकड़ना, खुला हुआ है नहीं मेरा बेटा, सही दे दो, नीचे करके डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दबाओ इधर से, ये भैंस चोर आया इधर, ध्यान से देखना, बाहर ना निकले आराम से, सॉस पैन से बाहर ना निकले दूध। ये देखे भाई अब्दुल अहद चाय बना रहा है, और कुछ कहना है अहद? इतना मेरे हाथों की चाय पीनी है आज। हाँ जी, किसी ने अगर अब्दुल अहद के हाथ की बनी हुई चाय पीनी है ना, तो आ जाए जल्दी से हमारे घर। ये देखें मजेदार चाय, अम्मी की चाय हम लोगों ने निकाल ली है, और अब इसमें थोड़ी सी और चीनी डाली है, क्योंकि अब्दुल अहद और मैं फिर बिल्कुल फीकी चाय नहीं पीते। ये देखें हमारी चाय, और साथ में है बिस्किट। मैंने चाय बना ली है, और मैंने आज अम्मी और मम्मा को अपनी तरफ से ट्रीट दिया। वाओ, क्या ट्रीट दिया ये भी तो बताओ। बिस्कुट की और चाय। आज अब्दुल अहद ने मम्मा को और अम्मी को ट्रीट दिया है, ये चाय भी इसने बनाई है और बिस्किट भी ले आया हमारे लिए। वाह जी वाह। अम्मी जी आ जाओ, अम्मी आ जाए यहाँ पे। अच्छा बेटा आई मैं, बस आ गई अम्मी। ये अम्मी की चाय है, मुझे इधर ही दे दे। हैं इधर दो। हाँ ओए यम्मी वाली चाय है, फीकी फीकी चाय। ठहरो यम्मी को दे उधर, दिखा दो मुझे। मेरे अब्दुल अहद ने चाय बनाई है, जिसने चाय पीनी है वो आ जाए हमारे साथ पीने और मजे करें। हमारे मजा मुल्तान में तो बहुत बर्फ ज्यादा है, बहुत सर्दी है भाई, ठंडी हवा चल रही है।